मिस चौधरी प्लीज। थैंक यू। हमारे यहाँ के आपने जो इज्जत हमें दी है उसके लिए मैं सिर झुकाता हूँ। अरे सर झुकाने में तेरा फर्ज गिर गया है यार। हमारे गरीब खाने में आके आपको कैसा लगा ये आपने बताया नहीं मिस चौधरी। किसी भी खूबसूरत माहौल में आकर लोगों को अच्छा लगता है। चलिए मैं तो डर रहा था कि कहीं आपको किसी बात से कोई तकलीफ ना। खूबसूरत चीज भी ज्यादा हो जाए तो तकलीफ हो जाती है। मोहन खराब हुए मेहमान को हमारे किसी बात से किसी तरह की कोई ठेस पहुंचे ये हम नहीं चाहते। कैसी ठेस यार? देखो मान लो जैसे तुम ये कहना चाहते हो कि मिस चौधरी बेहद खूबसूरत हैं तो ये बात इनके मुंह पर नहीं कहनी चाहिए, अदब के खिलाफ है। मिस चौधरी क्या है कि ये मेरा दोस्त एकदम फूला भला है, सीधा साधा है, जो बात इसके दिल में होती है ना जबान पर आ जाती है। जिस्मानी खूबसूरती तो कुदरत की देन है, आदमी खुद चाहे तो हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वाह वाह कमाल की बात की है आपने तो। प्रकाश आप कुछ और फरमा रही हैं जी। लेकिन आपके बात करने के अंदाज में जो खूबसूरती है उसे आपने खुद हासिल किया है। शुक्रिया। अबे तू वहां से क्यों चला आया? वहां तो प्रकाश का काम बन रहा है। मैंने तो तुझे काम बिगाड़ने भेजा था। लेकिन वो लड़की तो उसकी तारीफ करती है और उसके सामने मेरे को तो बिल्कुल उल्लू ठहरा दिया। तो है चल चला गया उनके पीछे। मेरे को डर लगता है। मैं खुश हूँ कि आप यहाँ आकर खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है। ये प्रकाश चौधरी साहब तेरे को बुला रहा है। चौधरी साहब एक्सक्यूज मी। प्रकाश एक नंबर का लफंगा है, वो आपके पास बैठकर हमें ये जता रहा है जैसे आप उसे बहुत चाहती है। मैं नहीं। आप है या नहीं मैं कुछ नहीं जानती। इधर आइए। किधर गए? किधर गए? आइए सामने सामने, जो कुछ भी कहना है सामने आकर कहिए। प्रकाश बाबू के दोस्त बनकर आए हैं और उन्हीं के घर में आकर उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, कैसे आप? हाँ दरअसल बात यह है ना। बैठिए बैठिए। अबे इधर इधर आ यार। अरे कमाल हो गया यार। क्या अपने उल्लू तो वहां पर जम गया है? अतरी दरअसल बात यह है, आप नहीं जानती ये बहुत बुरा आदमी है, आज उसका जन्मदिन नहीं है। मतलब? मतलब ये है ये तो सावन के महीने में पैदा हुआ था, ये तो खाली दोस्तों को दिखाने के लिए कि आप उसकी उसकी क्या बात नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों? आप नहीं जानती यहाँ सब आपकी खूबसूरती उसी की चर्चा करते रहते हैं। तो उसने हमसे कहा कि जिन पे सब फिदा हैं वो मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचती हैं, मुझ पे मरती हैं। अच्छा हैं, इसलिए तो बाहर में जन्मदिन मना रहा है क्योंकि आप आ रही हैं। क्या वो तो हंस रही है? मोहन के साथ जम गई। रवि जिस मोहन को तू उल्लू समझता था देखना वही बाजी मार ले जाएगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रकाश बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो तो बहुत बदमाश आदमी है, उसने हम सब लोगों को बताया कि उसने जो फूल आपको दिए थे ना वो फूल आपने अपने होठों से लगा लिए थे। मैंने जो किया है उन्होंने वही बताया है। हाँ किया होगा, लेकिन ऐसी बातें सब लोगों के सामने तो नहीं बतानी चाहिए ना, आखिर उसकी शादी आपसे होने वाली है। अच्छा उन्होंने ये भी बता दिया? हाँ, क्या सचमुच होने वाली है? क्यों? अगले सावन में? सावन सावन तो आपको कोई एतराज है? नहीं कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जिस महीने में आदमी पैदा होता है ना उस महीने में उसकी शादी नहीं होती। तो चलिए फिर फागुन में कर लेते हैं। फागुन फागुन में खटिया खड़ी फागुन फागुन